नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं ओखला विधानसभा के अंदर और हम इतने खुशी के मौके पर हैं कि हमारे साथ जसवंत जाटव जी हैं, जो एक बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर हैं बहुत अच्छे और बहुजन समाज की शान हैं, जो बहुजन समाज की बात को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। जसवंत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले आज खुशी की बात है कि आपका जन्मदिन है, कितने साल के हो गए वो भी बता दीजिए। लगे मैं 26 साल का हो गया हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने जी। जसवंत भाई 26 ईयर्स के हो गए हैं और मैं यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे करीबन 30 से 40 के कट रहे थे और यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम था। यहाँ पे बॉलीवुड से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत सारे यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। पहले सबको आपको बहुत बहुत साधुवाद, पहले सबसे बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप 26 ईयर्स को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। अभी जो इलेक्शन चालू हो गया है उसके अंदर और बहन कुमारी मायावती की तरफ से आपको ओखला विधानसभा के अंदर प्रभारी का पद भी मिला, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं पहले तो। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ओखला की तैयारी आप किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से बहन जी को सरकार के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। मेरा सबसे पहला कदम है कि मैं ये जो जातीय व्यवस्था वाली पार्टियां हैं इनको खत्म कर रहा हूँ। मेरी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, इसमें सभी समाज के लोग होंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, मैं सभी को इसमें पद दूंगा ताकि वो आगे चल के एक साथ जुड़ के काम करें और भारी मत से बहन जी को पीएम बनाने का कार्य करें। जसवंत भाई, एक बात बताइए कि ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि सबको सर्वजन समाज को आप लेके चल रहे हैं, लेकिन बहन जी की जो इलेक्शन है दिल्ली के अंदर, कितनी सीटों पे आप अपने आप बसपा पार्टी तैयार हो गई है और कितने पे सक्षम है आने के लिए? अभी लोकसभा इलेक्शन है, इसमें 7 सीट होती है, 7 सीट में से कम मेरे अंदाजे से 4 से 5 सीट हमारी आएंगी। 4 से 5 जी। बहुजन समाज पार्टी इतनी सक्षम हो चुकी है, अंदर इंदर जमीनी स्तर पर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कार्य हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है जो हम देख रहे हैं और लोगों को नहीं पता, क्योंकि जो दिखाते हैं वो अक्सर कुछ होते नहीं है और जो नहीं दिखाते वही आगे जाते हैं। जसवंत भाई, एक बात बताइए कि अभी जो गठबंधन हुआ है बहन भाई मायावती का, जिसके अंदर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान एमपी वगैरह के अंदर से गठबंधन जो हुआ है, इस गठबंधन को किस नजरिए से देखते हैं आप? बहन जी ने जो किया है सोच समझ के ही क्या होगा और जो हमें आज तक हमारी बहन जी करती आई है वो सब सोच समझ के क्या है, बहुत अच्छा किया है। तो मैं मानता हूँ कि जो बहन जी ने गठबंधन किया है बहुत अच्छा किया है, मैं उसको मानता हूँ और आगे अपील करता हूँ अपने सभी समाज के भाइयों से कि गठबंधन को सहयोग करें और बहन जी को पीएम बनाने का साथ। जसवंत भाई, एक बात बताइए कि अभी भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने कहा है कि जहां जहां से बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी मैं वहां वहां से इलेक्शन लड़ूंगा, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो इसके ऊपर क्या राय है आपकी? मैं इस चीज़ पर बहुत गंभीर मामले से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये बहुजन समाज में ये फेंका हुआ बम है, जो बहन जी ने अपने पहले इंटरव्यू में बोला गया है कि ये बीजेपी का ही झंडा है, ये किसी की वोट नहीं काटेगा, बीजेपी की वोट पक्की बीजेपी पे ही जाएगी, वो इसको क्यों देंगे, ये वोट काटेगा बसपा और सपा की। ये इसलिए फेंका गया है बीच में कि ताकि ये वहाँ की वोट काट के और बीजेपी को सपोर्ट कर सके। जसवंत, एक बात बताइए, आपने वोट काटने की बात करी लेकिन अगर वो बीजेपी को हराने की बात करते हैं, स्मृति ईरानी को हराने की बात करते हैं, तो सवर्ण समाज की वोट क्या ला पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी। सर्व समाज तो एक भी बंदा इनके साथ नहीं है, मुझे बता दो कौन बंदा इनके साथ है सर्व समाज का? सर्व समाज का कोई बंदा इनको बैठाएगा नहीं हमारे पास। और आज हम बोलते हैं सर्व समाज के लोग हमारी बसपा के, हमारी बसपा में है भी, कार्य भी कर रहे हैं और आगे चल के राज भी करेंगे, नेता भी बनेंगे, MLA बनेंगे, निगम पालन बनेंगे, सांसद बनेंगे, पर लेकिन भीम आर्मी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा और मैं भी नहीं करता और बसपा भी नहीं करती। अगर एक चेहरा भीम आर्मी को खड़ा कर दिया जाए और एक बहन कुमारी मायावती की तरफ से कैंडिडेट खड़ा हो, तो दोनों में से पब्लिक की जो वोटिंग है या जो रुझान रहेगा वो किस तरफ रहेगा? वो बसपा की तरफ रहेगा। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ।